ऐसी है मेरी यूट्यूब की बंटर फैमिली। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि इन रहस्यों से पर्दा उठ सके। हाँ, एक बात और, इस कहानी को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी में कितनी सत्यता है या मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह कहानी भी मैं अपने गांव जवार में सुनी है। गवई जनता की माने तो इस घटना को घटे लगभग 70-80 साल हो चुके होंगे। पहले गांव में कुछ बनिया फेरी करने आते थे, आज भी आते हैं पर कम मात्रा में। कोई छोटी मोटी खाने की चीज़ें बेचता था तो कोई श्रृंगार के सामान या धनिया मसाला आदि। ये लोग एक दौरी में इन सामानों को रखकर गांव-गांव घूमकर बेचते थे। आज तो ज़माना बदल गया है और गांवों में भी कई सारी दुकानें खुल गई हैं, और अगर कोई बाहर से बेचने भी आता है तो ठेले पर सामान लेकर या साइकिल आदि पर बर्फ आइसक्रीम आदि लेकर। हाँ, तो यह कहानी एक ऐसे ही बनिए से संबंध रखती है जो गांव-गांव घूमकर मूंगफली गुड़धनिया मसाला पट्टी आदि बेचता था। रामधन रोज सुबह सुबह मूंगफली गुड़धनिया आदि अपने दौरी पात्र में रखता था, किसी दूसरे गांव में निकल जाता था। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली गुड़धनिया बेचते हुए वह तिजहरिया या कभी कभी शाम को अपने गाँव वापस आ जाता था। जब वह अपनी दौरी उठाए चलता और बीच बीच में बोला करता, ले गुड़ धनिया, ले मूंगफली, ले मसल पट्टे, दांत में सट्टी, बच्चा खाई सयान हो जाई, बूढ़ खाई जवान हो जाई। उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे अपने अपने घर की ओर भागते और यह चिल्लाते थे कि मसल पट्टी वाला आया, मूंगफली वाला आया। और उसके साथ ही अपने घर में घुसकर छोटी छोटी डलिया या फाड़ आदि में धान गेहूं आदि लेकर आते थे और मूंगफली गुड़धनिया आदि खरीद कर खाते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय, लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में दुबके थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर दौरी उठाए हमारे गांव से पास के गांव में खेतों मेड़ से होकर चला। कहीं कहीं तो इन मेड़ों के दोनों तरफ दो दो बीघा केवल गन्ने के ही खेत थे और अकेले इन मेड़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमजोर दिल आदमी तो अकेले या खर खर दोपहरिया या शाम को इन मेड़ों से गुजरना क्या, उधर जाने को सोच कर ही धोती गीली कर देता था। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 3 कोस थी, मतलब लगभग 3 किलोमीटर दूर, और बीच में एक बड़ी बारी बगीचा जिसे हम लोग आज भी बड़की बारी के नाम से पुकारते थे, बीच में वो बारी पड़ती थी। कि दोपहर में भी यह बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बारी के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दौरी को उठाकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा सुस्ताने आराम करने के बाद आगे बढ़ता हूँ। वह वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कहीं बहुत तेज आंधी उठी है और डालियों आदि के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वह उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। अरे हाँ, वह जहाँ सोया था वहाँ से कुछ ही दूरी पर दो पेड़ की डालियाँ बहुत तेज़ी से नीचे ऊपर हो रही थीं, और कभी कभी इन डालियों के पास और कभी कभी इन डालियों के आपस में टकराहट से बहुत डरावनी आवाज़ भी होती थी। अगर कमज़ोर दिल आदमी अकेले यह देख ले तो उसका दिल मुंह में आ जाए, पर रामधन को तो यह आदत थी। वह मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वह वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा ही उन पेड़ों के आसपास बहुत
ही डरावनी और तीव्र बह रही थी। रामधन के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों में झाड़ियों, घने घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वह डरने लगे तो उसका धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार भूत, प्रेतों, चुड़ैलों आदि से पड़ा था, पर किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इन भूत प्रेतों को आम इंसान से ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। रामधन ने लेटे लेटे ही अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशाल काय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ों की डालियां बहुत ही वेग से चरर मरर की आवाजें करते हुए नीचे ऊपर हो रही हैं। रामधन को और कौतूहल हुआ और अब वह और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। अरे, रामधन को लगा कि अभी तो यह प्रेत अकेले था, अब यह दूसरा कहां से आ गया। अच्छा, तो यह बात है, अब रामधन को सब समझ में आ गया। दरअसल बात यह थी कि यहां तो भूतों का खेल नहीं, एक भयंकर झगड़ा चल रहा था। अरे, रामधन को लगा कि अभी तो यह प्रेत अकेले था, अब यह दूसरा कहां से आ गया। अच्छा, तो यह बात है, अब रामधन को सब समझ में आ गया। दरअसल बात यह थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था। वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो रहा था और इसी गुस्से में डालियों को तोड़ मरोड़ रहा था। अरे, अब तो रामधन को और मज़ा आने लगा, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। और रामधन के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जितने भूत, प्रेत, चुड़ैलों आदि से पड़ा था उनमें काफ़ी समानता थी, पर आज जो भूत प्रेत एक एक कर प्रकट हो रहे थे उनमें काफ़ी असमानता थी। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी किसी की सूरत तो बहुत ही डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके दो सिर और तीन पैर थे, उसके नाक नहीं थे और उसकी आँख भी एक ही थी और वह भी मुंह के नीचे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था और अब उन भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियां भी टूट चुकी थीं और उस बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमजोर भूत को पकड़ लिया और बेतहाशा उसे मारे जा रहा था। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अब वहाँ केवल तीन टांग वाली भूतनी ही बची थी और वह भयंकर विकराल भूत। अब रामधन भी उठा, क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके एक घंटे निकल चुके थे। रामधन ने ज्यों ही अपनी दौरी उठाना चाहा, वह उठ ही नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक यह दौरी इतनी भारी क्यों हो गई है। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तिवारा पर दौरी उठी नहीं। वह पसीने से पूरा नहा लिया और किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया, पर आज उसे क्या हो गया वह समझ नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी नहीं डरा था, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में एक कंपकपी सी उठ रही थी और उसके सारे रुएं तीर जैसे एकदम खड़े हो गए थे। अचानक उसे उस बगीचे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसके तरफ बढ़ रहा है। रामधन को कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां चरर मरर कर रही थीं। अब रामधन ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया। उसने मन ही मन सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए पर वह यहाँ से भागेगा नहीं। अचानक उस दैत्याकार अदृश्य प्राणी की चलने की आवाज़ थम गई। अब रामधन थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है, कौन है? जो कोई भी है सामने क्यों नहीं आता है? अब सब कुछ स्पष्ट था, क्योंकि एक विकराल भूत
शायद यह वही भूत था जो दूसरे भूत को मार रहा था। रामधन के पास दृश्य हुआ पर एकदम शांत भाव से। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने थूक घोंट कर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं, वह विकराल भूत बोला। डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं। मैं यहां का राजा हूं। राजा और मेरे रहते किसी के डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो उसका वही हश्र करूंगा जो उस कलमुनिया भूत का किया। अब रामधन का डर थोड़ा कम हुआ और वो उस भूत से पूछ बैठा, क्या किया था उस कलमुनिया भूत ने? वह विकराल भूत हंसा और कहा, कलमुनिया काफी दिनों से इस ललमुनिया तीन टंगरी को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी पर समझा ही नहीं, और हद तो आज तब हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्र करके मुझ पर हमला कर दिया। सबको मारा मैंने और दौड़ा दौड़ा कर मारा। रामधन ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी में उसकी बहुत प्रशंसा की और बोला, तो अब क्या मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ खिला दो, बहुत भूख लग रही है और थक भी गया हूँ। रामधन ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़धनिया निकाल कर उसे दे दिया। गुड़धनिया खाते खाते ही वह भूत रामधन से विनीत भाव में बोला कि थोड़ा और दो ना, बहुत ही अच्छा है, मैं भी बचपन में बहुत गुड़धनिया खाता था। रामधन ने कहा, अब नहीं मिलेगा, सब तुम ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मैं खरीद लेता हूँ। रामधन को अब थोड़ी लालच आ गई क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है, अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो माला माल कर देते हैं। अब रामधन ने दौरी में से थोड़ा और गुड़धनिया निकाल कर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसा दो तो यह दौरी का पूरा सामान तुझे दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से गुड़धनिया ले लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामधन एकदम निडर होकर अपनी दौरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वह भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एकदम उत्तर की ओर पहुंचा। यह उस बगीचे का एकदम उत्तरी छोर था। इस उत्तरी छोर पर एक जगह एक थोड़ा उठा हुआ टीला था और वहीं पास में मूंज आदि और एक छोटा नीम का पेड़ था। उस नीम के थोड़ा आगे एक छोटा सा पलाश का पेड़ था। उस विकराल भूत ने रामधन से कहा कि इस पलाश के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने के लिए तो है ही नहीं, तुम ही खोदो। रामधन की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते और विकराल हो गया। उसके नख खुरपों की तरह बड़े हो गए और इन्हीं नखों से वह पलाश के पेड़ के नीचे लगा खोदने। खोदने का काम ज्यों ही ख़त्म हुआ त्यों ही रामधन ने उस गड्ढे में झांक कर देखा और उस गड्ढे में एक बटुआ दिखाई दिया। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बटुए को बाहर निकाला। बटुआ बहुत भारी था। उसने बटुए के मुख पर ज्यों ही ढक्कन हटाया उसकी आँखें खुली रह गईं क्योंकि बटुए में पुराने चांदी के सिक्के थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी दौरी का सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत को बोला कि अब सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट पड़ा और इधर रामधन ने उस बटुए का सारा माल अपने दौरी में रखा और उसे ढककर तेजी से अपने गांव की ओर बढ़ चला। गांव में पहुंचने के एक ही हफ्ते बाद ऐसा लगा कि रामधन की लॉटरी लग गई है। उसने अपने मढ़ई के स्थान पर लिंटर बनवाना शुरू किया और धीरे धीरे करके मूंगफली और गुड़धनिया बेचने का धंधा बंद कर दिया। सही कहा है कि देने वाला भूत जी जब भी देते देते छप्पर फाड़ कर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सबसे ज़रूरी बात,
आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं एक भूत यहाँ से आपके पास भेज दूंगा और रात में वो भूत आपको बहुत डराएगा और आपको नींद नहीं आएगी। तो दोस्तों मेरी बात मानो, आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इसलिए ये होगा इससे कि जब भी मैं अपनी कोई अगली हॉरर वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप भी वीडियो को देख लोगे और मुझे भी काफ़ी खुशी होगी कि मेरे वीडियोस किसी ने देखा, मेरी मेहनत कहीं तो काम आई। तो बस मिलते हैं आपसे कल एक और हॉरर स्टोरी के साथ, दिल दहला देने वाली सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।